हेलो दोस्तों, बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग वापस से शुरुआत करने वाले हैं कंटेंट के साथ में, एंड दैट कंटेंट इज नथिंग बट अक्वेरियम एंड मेंटेनेंस, विच इज द 9th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। नाउ अक्वेरियम मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो अक्वेरियम मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है या क्या क्या पैरामीटर पे हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहली चीज कि अक्वेरियम होता क्या है। जब हम किसी भी अक्वेटिक एनिमल को, ठीक है, किसी भी अक्वेटिक एनिमल को जब हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो कराते हैं, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अक्वेरियम। एक बड़े अक्वेरियम की अगर बात करें तो बड़े अक्वेरियम में आप टर्टल को भी ग्रो करवा सकते हैं, आप फिश को ग्रो करा सकते हैं, आप क्रैब्स को ग्रो करा सकते हैं, एनीथिंग एल्स। ठीक है, अधिकतर हमको यही चीज समझ में आती है कि अक्वेरियम मतलब ही ये होता है कि हम फिश को ग्रो करवाते हैं। ठीक है, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस कि सिर्फ फिश, इसके अलावा बहुत सारे जो ब्रीड्स होते हैं उनको हम बहुत आसानी से ग्रो करा सकते हैं। सो एन आर्टिफिशियल कल्चरिंग ऑफ अक्वेटिक एनिमल्स इज कंसिडर्ड एज अक्वेरियम। ओके, नाउ व्हाट आर द एसेसरीज रिक्वायर्ड। ओके, व्हाट आर द एसेसरीज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अक्वेरियम। नाउ अक्वेरियम की अगर बात करो तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। अक्वेरियम एसेसरीज की बात करो तो सबसे पहले एरेटर की जरूरत है, राइट? ऑक्सीजन में एरेटर की रिक्वायरमेंट इसीलिए भी है बिकॉज ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को सर्वाइव करने के लिए। As every heterotrophic organism is dependent upon autotrophic organism, that means हर एक एनिमल, हर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, तो प्लांट के ऊपर में फॉर द ऑक्सीजनेशन पर्पज। ना एरेटर का होना जरूरी है अक्वेरियम के अंदर में। सेकेंडली डिफ्यूजर स्टोन, कुछ डिफ्यूजर स्टोन्स होते हैं जिनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अक्वेरियम के अंदर में, सो दैट कि वो कलरेशन एंड ऑल बहुत सारी चीजें जो हम बोलते हैं कि जो नेचुरली मिलती है, दैट मीन्स ब्राइट कलर्स के स्टोन्स एंड ऑल सारी चीजें, सो दैट कंसिडर्ड अंडर डिफ्यूजर स्टोन, जो कि कहीं ना कहीं पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करने के लिए या एनिमल्स को छुपने के लिए जगह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली फीडिंग कप होना चाहिए, फीडिंग रिंग्स होनी चाहिए जहां पर कोई भी एक एनिमल आराम से या कोई भी एक फिश थोड़ा बहुत रेस्टिंग पोजीशन में जाए जहां पे वो अपना फूड कंज्यूम कर सके। देन उसके बाद में फिल्टर्स होने चाहिए एंड उसके साथ साथ नेट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज नेट की रिक्वायरमेंट इसीलिए भी है बिकॉज जब आप एनिमल के अक्वेरियम को, ठीक है, जब आप एनिमल के अक्वेरियम को क्लीन करने जाएंगे तो आप मछलियों को या उसके साथ साथ जो भी टर्टल्स वगैरह हैं उनको हाथ से नहीं पकड़ते, आपको नेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो नेट से आप उनको आसानी से निकाल सकते हैं एंड देन यू कैन पुट इन द अनदर कंटेनर, राइट? देन उसी के साथ साथ सिफोन ट्यूब की जरूरत होती है जो कि ऑक्सीजन को डायरेक्टली एंटर करवा सकता है। रेजर्स कभी कभी जरूरत पड़ते हैं, रेजर्स का रिक्वायरमेंट इसीलिए भी जस्ट बिकॉज कि कुछ कट करना है, टिफ ट्यूब्स वगैरह ही होती है या जो फीडिंग रिंग्स वगैरह होती है इनकी रिक्वायरमेंट के लिए। थर्मोमीटर एंड थर्मोस्टैट, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है एक्वेरियम का बिकॉज अनवांटेड क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट? एंड देन उसके बाद में लाइट शेड और लिड चाहिए। एक शेड रखना होगा क्योंकि एनिमल्स अगर जंप करते हैं, स्पेशल अगर जंप करते हैं तो जंप करने के बाद वो बाहर नहीं गिरनी चाहिए, तो एक सपोर्ट रहेगा ऊपर से, इसलिए उनके ऊपर में एक लिड लगाना जरूरी हो जाता है जो कि लाइट शेड बना टाइप में हो। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स प्लांटेशन इन द अक्वेरियम। नाउ अक्वेरियम में प्लांटेशन की क्यों जरूरत है? अक्वेरियम में प्लांटेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल एरेटर डालते हैं, तो वो कुछ समय तक के सर्वाइबिलिटी फैक्टर की बात करता है, मतलब छोटे अक्वेरियम के लिए इट इज सफिशियंट। बट अगर बड़े अक्वेरियम बनाने हैं तो बड़े अक्वेरियम बनाते वक्त में प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर हम जितना नेचुरल ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है इन द वॉटर बॉडी, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द फिश एंड दैट वुड बी लीड टू द हेल्दी ग्रोथ एज वेल एज हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी एज एनवायरमेंट जो होती है वो भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? सो प्लांटेशन इन द एक्वेरियम, प्लांटेशन एक्वेरियम में करवाना ये सबसे बड़ा फैक्टर है ऑक्सीजन का, कि हम ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। सेकेंडली प्रोवाइड शेड एंड हाइडिंग प्लेसेस,
प्रोवाइडिंग शेड एंड हाइडिंग प्लेसेस, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं उसको शेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एक्वेटिक प्लांट्स अगर होते हैं तो उसके अंदर आसानी से फिश छुप के रह सकती है, छोटी छोटी फिशेस जो होती है खास करके, एंड उसी के साथ साथ उनको एक छुपने की जगह भी हम लोग दे देते हैं। सेकेंडली हेल्प इन एक्वेरियम बैलेंस। नाउ प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बॉडी में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक्वेटिक प्लांट जो रहेगा वो उसको यूटिलाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को, फोटोसिंथेसाइज करेगा एंड देन ही विल रिलीज ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन का मेंटेनेंस होता है, साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ डिस्पोजिंग नेचर में भी होता है, ठीक है। डिस्पोजल जो अनवांटेड वेस्ट है उसको बहुत आसानी से डिग्रेड कराना एंड उसको यूटिलाइज कराना फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दैट इज द मेन प्लस पॉइंट ऑफ प्लांटिंग प्लांट्स इन एन एक्वेरियम, राइट। मूविंग टुवर्ड्स सिलेक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट को सिलेक्ट करना है तो कैसे टाइप के प्लांट को आप सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहली चीज कि प्लांट हेल्दी होना चाहिए, अनवांटेड सूखा हुआ पेड़ तो हम एक्वेरियम में डालेंगे नहीं, है ना। सो ब्राइट कलर्स के भी रहे तो भी चलेगा, या इसके अलावा ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बिकॉज एक्वेरियम में एक्वेरियम के लिए ये तो आर्टिफिशियल हुआ, वही अगर मैं ओशन या सी की बात करूं या किसी एक लेक की बात करूं तो वहां पर एक बेंथिक जोन होता है। बेंथिक जोन दैट मीन्स विच इज अ डार्क प्लेस जहां पर सिर्फ यूवी रेडिएशंस के अलावा अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस जो होते हैं वो एंटर करते हैं वाटर बॉडी के अंदर में, क्योंकि ऑक्सीजनेशन का पार्ट या जो मेन सनलाइट जो होती है वो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर पे आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा बाकी जो भी रेडिएशंस होते हैं यूवी रेज के अलावा ये सारे के सारे पेनिट्रेट कर जाते हैं अप टू द बेंथिक रीजन। सो एक एक्वेरियम की अगर मैं बात करूं तो अगर छोटा एक्वेरियम है या बड़ा एक्वेरियम है तो वहां पर प्लांट्स का होना जरूरी है, और जितने ज्यादा कलरफुल प्लांट्स होंगे उतना ज्यादा आपका एक्वेरियम और अच्छा भी लगेगा, राइट। सो सिलेक्शन ऑफ द प्लांट, सिलेक्ट हाफ ग्रोन प्लांट, पूरा बड़ा हुआ प्लांट अगर आप डालेंगे उसके अंदर में तो क्या होगा, एक्वेरियम में आपके पॉन्ड के अकॉर्डिंग वो क्या है, छोटा है या बड़ा है, ये चीज मैटर कर जाएगी। अगर आप बड़े प्लांट को एक्वेरियम के अंदर डालेंगे तो वो और कितना ग्रो होगा प्लांट, राइट। तो हाफ ग्रोन प्लांट जो होता है यूजुअली हम उनको क्या करते हैं, डालते हैं, हेल्दी लुकिंग प्लांट होना चाहिए। देन डू नॉट अलाउ ड्राई बिफोर प्लांटेशन। जब हम एक्वेटिक प्लांट को बाहर निकालते हैं, आपने मोस्ट प्रोबेबली प्रैक्टिकल्स किए होंगे, हाइड्रिला वगैरह को देखा होगा माइक्रोस्कोप में, सो व्हेन यू ऑब्जर्व तो वहां पर आपको एयर बबल नजर आ जाता है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट में एयर बबल आने के चांसेस हो जाते हैं एंड देन द प्लांट बिकम्स डेड, ठीक है। सो इसीलिए जब भी हम किसी भी एनवायरनमेंट से किसी भी प्लांट को ले रहे हैं तो दैट शुड बी मेंटेन्ड इन दैट कंडीशंस ओनली। दैट मींस एक्वेटिक प्लांट को अगर आप एक पॉन्ड से निकाल रहे हैं तो तुरंत उसको दूसरे पॉन्ड में डालिए, अदरवाइज वो प्लांट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। देन उसके बाद में रिमूव डिस्कलर्ड लीव्स, अगर वहां पर डिस्कलरेशन हुआ है लीव का तो वो भी आप हटा सकते हैं। डिसइंफेक्ट द प्लांट इन वीक सोल्यूशन, वीक सोल्यूशन दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन में अगर आप डालेंगे एंड देन उसके बाद में प्लांट को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अनवांटेड बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ या इन कोई इन्फेक्टेड कंडीशन होगी उस प्लांट की तो वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सो दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, ठीक है। सो सबसे पहला फीचर यही होता है कि जब भी आप प्लांट को एक्वेरियम के अंदर डालेंगे तो वो एक्वेरियम के अंदर डालने के साथ साथ सबसे पहले उसको आप पोटेशियम परमैंगनेट से क्लीन कर लीजिए एंड देन यू कैन पुट इट। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट एज फिक्सेशन, प्लांट को फिक्स करना जरूरी है। बहुत सारे प्लांट ऐसे भी है जो एक्वेटिक प्लांट होने के साथ साथ फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं, तो हमें फ्लोटिंग कंडीशन वाले प्लांट की रिक्वायरमेंट तो है ही, साथ ही साथ ये भी हमको देखना है कि कुछ बड़े प्लांट्स भी हो उसके अंदर में, है ना। तो जो बड़े प्लांट्स रहेंगे उनको फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनको फिक्सेशन में लेकर नहीं जाएंगे या हम उनको फिक्स नहीं करेंगे तो वो फ्लोटिंग नेचर में आ जाएंगे और प्लांट टूट जाएगा, और इसी के साथ साथ जो फिशेस मूव कर रही होंगी उनके लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं अधिकतर सैंड के साथ में आप उनको फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज सॉइल से क्या होगा, पूरा वाटर एक्वेरियम का जो है आपका वो खराब हो जाएगा, है ना, पूरा मडी कंडीशन हो जाएगा। तो आपको एक हेल्दी कंडीशन चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो उसके लिए आप सैंड को यूज करेंगे। नाउ सैंड को जब आप यूज करते हैं तो वो सपोर्ट के लिए काफी हद तक के आपको सपोर्ट करेगा, उसी में स्टोन्स अगर आप डालते हैं तो स्टोन की वजह से भी वो और फिक्सेशन के लिए जा सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस, डिस्टेंस मेंटेन करना है। सारे प्लांट को एक ही जगह उठाकर लगा देंगे
तो उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो एक प्रॉपर डिस्टेंस, दैट मीन्स अराउंड हाफ एमएम का डिस्टेंस या हाफ मीटर का डिस्टेंस भी आप एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में बहुत आराम से रख सकते हैं, ठीक है। देन जेंटली प्लांट करना है, जेंटल प्लांटेशन होना चाहिए, ये नहीं कि पकड़ के दबा रहे हैं उसको एकदम से। एंड उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, वो प्लांट के टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स बहुत ज्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर्स कैरी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा वीक होते हैं। अगर आप उनके ऊपर में हार्श अप्लाई करते हैं अपने हाथों को, या उसके साथ साथ उसमें अगर आप उसको प्रेसिंग में लेकर जाते हैं, तो वो बहुत मतलब हम बोल सकते हैं कि प्लांट खराब होने के चांसेस एज वेल एज प्लांट के टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो वो जेंटल प्लांटेशन करना है एंड अवॉइड द स्टरिंग ऑफ द सब सॉइल। सॉइल को स्टर करना नहीं है एक्वेरियम में, सॉइल को स्टर करेंगे या आप सैंड को स्टर करेंगे तो वो हम बोल सकते हैं कि बहुत वाटर को मडी कंडीशन में कन्वर्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ जो आपका वाटर है, जो उसकी क्लियरिटी है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए एक्वेरियम को एक्वेरियम में जो सैंड होती है उसको मिक्स नहीं करते हैं, ठीक। देन प्लांट्स कौन से यूज कर सकते हैं आप, है ना, प्लांट्स कौन से यूज कर सकते हैं। तो प्लांट यूज करने के लिए आपके पास 6 से 7 वैरायटीज हैं। इन प्लांट को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में, क्योंकि ये सारे प्लांट्स जो है एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो कि आर्टिफिशियली भी अगर आप ग्रो करना चाहें तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपोलोगेटॉन अंडुलेटम, ठीक है, ये प्लांट जो है ये थोड़ा ग्रीन कलर का प्लांट होता है, थोड़ा सा श्रबी टाइप का है एक्वेरियम में। एंड देन उसके बाद में ये काफी अच्छी ग्रोथ और काफी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है एक्वेरियम में। अजोला, एनाबिना अजोला म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉलोअप करता है राइस पैडी प्लांट्स में, आपने सुना होगा, आपके सिलेबस में भी है ये चीज। सो अजोला प्लांट जो होता है ये एक अच्छा ऑक्सीजन कंटेंट है, एंड ये जो रहेगा, ठीक है, इसका ऑक्सीजन लेवल जो है मेंटेन करने का वाटर बॉडी के अंदर में ये बहुत अच्छा है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्लोटिंग कंडीशन में है, अगर आप चाहे तो रग लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैमोम्बा, सेरेटोफाइलम, अमेजोन स्वॉर्ड प्लांट, वैलिसनेरिया, हाइड्रिला, ये सारे प्लांट्स जो है ये भी आप आसानी से लगा सकते हैं आपके एक्वेरियम में, एंड दे आर वेरी गुड लुकिंग एज वेल एज इनकी जो डिटेलिंग्स है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके ऊपर, आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द प्लांटेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लांटेशंस और राइट इन डिटेल रिगार्डिंग दिस। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको अभी कवर किया है। इसी के साथ साथ एक्वेरियम एक्सेसरीज के ऊपर में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी आप ये चीज टाइप्स ऑफ प्लांट वाले सेक्शन को कवर करेंगे, तो प्लांट वाले सेक्शन को कवर करते वक्त में इनकी कुछ डिटेल्स है जो नोट्स में लिखी हुई है, तो आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। जो नए लोग यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, तो वो लोग को अगर नोट्स चाहिए होंगे तो वो RVSS ग्रुप @231 इस पे अगर आप मेल कर देते हैं आपके डिटेल्स, तो यू विल गेट द नोट्स, राइट। एंड इसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो, एंड प्लीज सी टू इट। इसके अलावा आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी सारे कंटेंट को एक्वेरियम मेंटेनेंस के अंदर में कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू जुड़े रहने के लिए।